हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको पांच तरह के फाइल फोल्डर दिखाऊंगा। पांच तरीके के, कुछ इसमें अच्छे क्वालिटी के हैं, कुछ ख़राब क्वालिटी के हैं। तो आपको जैसा भी अच्छा लगे वो आप अपने हिसाब से यूज़ करिएगा, ठीक है। तो इसमें जो भी पांच तरीके के हैं उसमें सारे पांचों में से आपका आपको कोई ना कोई एक ज़रूरतमंद ज़रूर होगा, मतलब आपके हिसाब से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो हर टाइप के हैं ये पांचों हैं फोल्डर मेरे पास सामने रखे हुए हैं। तो इसको पहले एक एक करके फिर लाते हैं, बाकियों को हम लोग साइड कर देते हैं। तो इसके साथ पहले स्टार्ट करते हैं और बाकियों को पहले साइड कर देते हैं। ये देखिए, इसके साथ स्टार्ट करते हैं, बाकियों को पहले साइड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारा फोल्डर। तो ये पिंक कलर का है, वैसे मैं बता रहा हूँ मुझे पिंक कलर अच्छा नहीं लगता, पर ये मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि असल में मुझे गिफ्ट में मिला है, तो इसलिए पिंक है थोड़ा सा, तो कुछ कर नहीं सकते इसका। तो ऐसे क्या है, थोड़ा बड़ा साइज का है तो इसलिए कैमरे के फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो बाकी देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक क्लिप लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्लिप सिस्टम है, और बाकी पूरा पिंक कलर का है। यहाँ पे हल्का सा कपड़े टाइप का बॉर्डर दिया हुआ है, और ये यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, ये देखिए इस टाइप का हैंडल है, आपको पता चल रहा होगा किस टाइप का है। ये देखिए ऐसे लॉक हो जाता है ये इस तरह से, और बाकी इस तरह से करेंगे तो ये लॉक हो जाता है, मतलब लॉक सिस्टम वाला हैंडल है, और बाकी इस टाइप का है पीछे से बिल्कुल प्लेन। और इधर देख के आपको ये चीज़ देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा अंदर का क्या होगा, मतलब अंदर किस टाइप की इसकी डिज़ाइनिंग है। तो वैसे इसकी कॉस्ट थोड़ी हाई है, ये कुछ 300-500 या 400 रुपए का मिलता है, 400-500 रुपए का। तो गिफ्ट में मिला है तो मुझे नहीं पता, पर मैंने पहले भी एक ख़रीदा था तो वो तो टूट गया था यहाँ से, ऐसे मजबूत होता है, वो मेरी गलती से टूट गया था कि एक बार मैं ऐसे ही बाइक से जा रहा था तो वहीं पर कहीं लड़ गया था तो ये ऐसे निकल गया था, बाकी ये मजबूत है, इसमें कोई वो नहीं है। तो 500 का तो आता ही है, 400 या 500 का अभी मुझे याद नहीं। तो इसको खोल के देखते हैं, इस टाइप से खुलता है। ये देखिए थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा दूर का, ये कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज का है, पूरे फ्रेम में भी नहीं आ रहा। ये देखिए, हाँ ये देखिए आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये देखिए, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 और 9 और 10 और 11 और 12 और 13, यहाँ 13 खाने हैं। तो इसमें देखिए इसका जो बेनिफिट क्या है ये मैं बता रहा हूँ आपको, अंदर से पहले एक बार दिखा देता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। ये देखिए अच्छे से इस टाइप का है पूरा पूरा, ये देखिए इतना बड़ा खुल जाता है, ये देखिए इतना सा खुल जाता है इतना पूरा। ये देखिए इतना पूरा इतना बड़ा हो जाता है ये। वैसे मेरे पीछे का जो ऑफ सीन वाला बैकग्राउंड है आपको शायद वो भी थोड़ा बहुत दिख गया हो, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये ऐसा ना थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और बाकी ये आप अंदर से देख सकते हैं, इसमें 13 खाने। इसका जो मेन बेनिफिट ये होता है कि आपके पास समझ लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट बहुत सारे हो, शायद से आप लॉयर है या कुछ है, लॉयर के पास तो बहुत सारी, पुलिस मैन हो कुछ भी हो तो उनके पास तो बहुत सारी फाइल होती है, तो अलग अलग टाइप की होती है। तो आप ये जो आप ये देख रहे हैं ये किस लिए, ये भी मैं बता देता हूँ। ये जो आपने स्लिप देखा होगा, वो जो छोटे वाले जो ऐसे स्टिकी नोट्स जो आते हैं पतले वाले स्टिकी नोट्स, तो आप इसको इसमें ऐसे लगा सकते हैं तो उसको आपको पता चल जाएगा। अलग अलग खाने में आपने डिफरेंट फाइल्स रख लिए, जैसे ये मनोज का फाइल, ये तनोज का फाइल, ये अनोज का फाइल,
और आपने ऐसे नाम चिपका दिया तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये है, ठीक है। और नहीं तो बाकी ऐसे आपको ढूंढना पड़ जाएगा कि कहाँ क्या रखा है, नहीं रखा है। तो ये इसका मेन बेनिफिट है। तो 13 लोगों के खाने, मतलब 13 फाइल आप रख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है 500 रुपये में, मेरे ख्याल से तो 500 का ही है। और वैसे अगर आपको इससे सस्ता मिला हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये है हम लोग का पहला फाइल। तो आते हैं आप दूसरे पे, नंबर 2। तो ये हुआ हमारा नंबर 1। और नंबर 2, चलिए एक सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल वाले फाइल से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे सिंपल फाइल आज तक का, सबसे सस्ता, सबसे टिकाऊ, हम लोग का फेवरेट। ये है नूरी, मतलब ऐसे ही लोकल आते रहते हैं, मैं ऐसे ही पढ़ के बता रहा हूँ आपको। बायोलॉजी फाइल लिखा हुआ है यहाँ पे, नाम वाम लिख सकते हैं, ऐसे थोड़ा सा बना हुआ है। और ये पीछे का बैकग्राउंड, यहाँ 2 छेद बने हुए हैं वो आपका स्ट्रिंग निकालने के लिए। और बाकी ये अंदर का, ये इस तरह का क्वालिटी तो आप देख ही सकते, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है, यहीं से पेपर निकल रहा है। ये देखिए बिल्कुल ही ख़राब क्वालिटी का, ये देखिए बिल्कुल पतले कार्डबोर्ड का ऐसे मोड़ रहा है। ये देखिए बिल्कुल ही नॉर्मल वाली, ये जनरली हम लोग स्कूल में यूज़ करते हैं। तो स्कूल में यही होता है कि आपका कोई हिंदी का या इंग्लिश का जो मतलब ज़्यादा मेन प्रोजेक्ट नहीं होता था, वैसे अच्छे प्रोजेक्ट के लिए तो थोड़ा बहुत अच्छा क्वालिटी का हम लोग ले लेते थे। ये ऐसे मैं बता दूँ, ये मुझे 10 रुपये का मिला। 10 रुपये में ये ऐसे पतला कार्डबोर्ड वाला मिलता है। और बाकी अगर 15 और 20 रुपये का भी है, वो 20 रुपये वाला थोड़ा अच्छी क्वालिटी का आता है, थोड़ा मोटा होता है तो इस तरह मुड़ता नहीं है। तो स्कूल में यही चलते हैं। तो 10 रुपये वाले जैसे हिंदी का प्रोजेक्ट हो गया, इंग्लिश का प्रोजेक्ट हो गया, या किसी टीचर ने मंगवा लिया कि आज ये ले आओ वो ले आओ, तो इसके लिए ये सब सही है, 10 रुपये में सही है नॉर्मल। और इसके साथ एक वो धागा, क्या कहते हैं, हाँ वो धागा ही कहते हैं शायद, तो धागा फ्री मिलता है। तो वो अभी मैंने कहीं रखा हुआ है तो मुझे पता नहीं, तो मैं अभी धागा तो नहीं दिखा रहा हूँ। तो आते हैं अब तीसरे पे, ये हमारा दूसरा था, दूसरा गया। तो रेड कलर का ये था, तो इसको दूसरा, तीसरा मतलब तीसरा वाला भी रेड कलर का ही लाते हैं। ये हमारा तीसरा, ये हमारे तीसरा फाइल है। तो तीसरे पे आ जाते हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का है। ये का मुझे मिला था 160 रुपये में, होलसेल में 160 का था। तो 180 या 190 का आपको मिल जाएगा, 190 तक तो मिल ही जाएगा आपको, 190 तक आपको मिल जाएगा। तो बाकी ये देखिए रेड कलर की फिनिशिंग है, और इधर ट्रांसपेरेंट है कि आपका अंदर का सामान या बाहर से दिखता रहेगा। वैसे ट्रांसफ्लूसेंट वाला ट्रांसपेरेंट है तो अच्छे से तो नहीं दिखेगा। और बटन भी ऐसे बटन सिस्टम वाला बंद करने का है, और बाकी ऐसे रेड स्ट्राइप्स हैं, ये पूरा रेड कलर का। और बाकी ये सब देख ही सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पे रेड कलर का ऐसे कपड़े का बना हुआ है, पूरा कपड़े का है। ये देखिए सिर्फ इतना ये वाला पार्ट जो ट्रांसफ्लूसेंट प्लास्टिक है, बाकी पूरा ये सब कपड़े का बना हुआ है, अच्छी क्वालिटी का है। ये देखिए पूरा कपड़ा, इधर भी कपड़ा, और ये ऐसे यहाँ पे डिज़ाइन भी बनाया हुआ है 3 स्ट्राइप्स से। और पीछे का भी दिखा देते हैं पूरा, ये देखिए रेड कलर का ट्रांसफ्लूसेंट प्लास्टिक है। अच्छा ये देखिए यहाँ प्राइस लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कितने का है। अच्छा ये 125 का है, ये 125 का है, मुझे लग रहा था शायद 149 का है, पर ये सिर्फ 125 रुपये का है। तो आप समझ सकते कितना सस्ते में आपको कितनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है 125 में। क्वांटिटी 1 यू है, और पैक्ड हुआ है 10/2018 में, बाकी तो बारकोड वगैरह है, ये साया कंपनी का है। तो 125 में बहुत अच्छी क्वालिटी मिल रही है आपको, ये आप ले सकते हैं आप कोई नज़दीकी दुकान, या अगर ऑनलाइन आपको मिल जाए तो। और हाँ यहाँ पे एक नेम स्लिप भी है, ये देखिए साया करके यहाँ एक कार्ड दिया हुआ है, यहाँ पे अपना नाम वाम लगा के यहाँ इस तरह से आप ये कार्ड को रख सकते हैं कि अगर आप कहीं ऑफिस में ले जाए और कोई अगर ऐसे सेम फाइल ले आए या कहने लगे कि ये मेरी फाइल है और ये सब कुछ, तो इस पर आपका नाम पड़ा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, हाँ अब फोकस हो गया।
तो यहाँ पे हम नाम वाम लिख सकते हैं, तो ये अच्छा चीज है। और अगर नाम आपको नहीं भी लिखना हो तो आप जैसे आपका विजिटिंग कार्ड हुआ कुछ हुआ आप यहाँ पे रख सकते हैं, अच्छी चीज है विजिटिंग कार्ड वार्ड रखने के लिए भी। तो इसको पहले अंदर कर देते हैं, फिर आपको खोल के दिखाते हैं इसके अंदर का। ये वैसे एक प्लास्टिक के पैकेट में आता है ऊपर, तो वो अभी प्लास्टिक का पैकेट तो मैंने फेंक दिया था। ये देखिए अंदर का देखते हैं, ये देखिए ये पूरा अंदर इतना स्पेस है आपका, इतना पूरा स्पेस है। ये देखिए दूर से दिखाता हूँ, आपको समझ तो आ ही रहा होगा कितना बड़ा ये। आप अच्छा खासा इसमें अपना फाइल सामान कुछ भी रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छा खासा बड़ा है। ये देखिए ड्यूरेबल भी है, कितना मोटा आप देख सकते हैं। और ये देखिए इसकी मैं टाइटनेस दिखा देता हूँ, ये देखिए ये बंद हो गया, ये देखिए कितना टाइट है आप देख सकते हैं। तो सामान गिरने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये हम लोग का तीसरा हो गया, और रेड में हम लोग के पास यही था रेड कलर में। तो अब थोड़ा ब्लू में आ जाते हैं, तो ये हमारा फोर्थ आइटम आ गया, थोड़ा ब्लू कलर का है ऐसे। तो इधर देखते हैं, यहाँ पे भी वही रेड वाले की तरह यहाँ पे खाना बना हुआ है पॉकेट टाइप का। इस पर आप ये नाम वाम लगा के विजिटिंग कार्ड यहाँ पे रख सकते हैं, छोटा सा पाउच है। और बाकी ये पूरा ब्लू है, और ये पूरा प्लास्टिक का बना है, इसमें कपड़े वपड़े का कुछ नहीं है। तो कंपैरिजन टू इसकी क्वालिटी, अगर इसकी और इसकी क्वालिटी में कंपेयर करें तो ये बेस्ट है रेड वाला, क्योंकि ये बहुत मजबूत है, मोटा है। इसका प्लास्टिक भी बहुत पतला है, ये नीले वाले का प्लास्टिक इससे बहुत पतला है, इसका प्लास्टिक भी मोटा है। तो मैं प्रिफर करूँगा आप इसको यूज़ करें अगर आपके पास मतलब बहुत सारा सामान रखने को हो तो। अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी हो तो ये लीजिए, और अगर ऐसी स्कूल वूल का सामान रखना हो कि मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो हम लोग को बहुत सारे पेपर वेपर मिल जाते तो इसके लिए आप ये रख सकते हैं, या स्कूल में ले जाने के लिए तो यही सही है। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, आपका बैग ऐसे ही इतना भारी होता है, तो आपको हल्की हल्के वगैरह बैगों की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए यही सही है। ये मेरा कैमरा पता नहीं क्यों ये जितने भी कलर है उसके साथ थोड़ा मिसमैच कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए कोई नहीं, आप पीछे देखते हैं, ये बिल्कुल पीछे भी सिंपल है, बस पीछे एक चीज़ खास है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पीछे यहाँ पे एक पॉकेट दिया हुआ है, ये देखिए मतलब ये तो हम लोग का है ही है जो आगे रखने का सामान होता है, यहाँ पे एक पीछे पॉकेट दिया हुआ है। ये देखिए ये यहाँ पे आप मतलब जो सिंपल टाइप के बहुत कागज होते हैं सामान होते हैं आप यहाँ पे रख सकते हैं। ये देखिए इतना बड़ा है पॉकेट, आप देख सकते हैं कितना बड़ा पॉकेट है। और ये यहाँ पे इस टाइप का थोड़ा सा दिया हुआ, पता नहीं है इसका क्या फायदा होता है, क्योंकि ये तो इसे चढ़ता भी नहीं है, पता नहीं है किस लिए। अगर आपको पता हो तो कॉमेंट करके बताइएगा कि ये इस टाइप की फोल्डिंग यहाँ पे क्यों दी हुई है, ये जो फोल्डिंग है, क्योंकि ये तो ऐसे लग भी नहीं रहा है, पता नहीं क्यों दिया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस लिए है, ताकि अगर इसका कोई ज़्यादा बेनिफिट हो तो मैं भी इसको यूज़ कर पाऊँ। तो अभी तो ऐसे ही रख देते जैसे था। तो बाकी ये पता है मेरा कैमरा पता नहीं ब्लू के साथ बिल्कुल बैकग्राउंड रेड टाइप का हो रहा है, पता नहीं क्यों। ये जैसे ही मैं इस फाइल को अपने कैमरे के सामने ला रहा हूँ पूरा रेड रेड हो रहा है, पता नहीं क्यों। और बाकी खोल के देखते हैं। और एक चीज मैं कहूँगा कि रेड वाले से इसका ये बटन सिस्टम ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा है मुझे, ये देखिए। और बाकी तो कितना पतला प्लास्टिक है वो भी आप देख ही सकते हैं, ये देखिए, और उसका कितना मोटा था। तो अंदर दिखा देते हैं, मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं बड़ा करना चाह रहा हूँ, ऐसे भी बहुत बड़ा हो ही रहा है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कंपेयर उससे नहीं करवाना चाह रहा हूँ। तो आप देख लीजिएगा वीडियो को बैक करके कि कितना क्या है। ये देखिए इतनी जगह है,
ये देखिए इतनी आपके अच्छे खासे सामान आ जाएंगे। तो आप समझ तो गए होंगे ये वाइट ये ब्लू अच्छी कलर कॉम्बिनेशन है। ठीक है ये बंद नहीं हो रहा। हाँ तो अब आते हैं हम लोग के आखिरी फाइल जो आज का है हमारा फिफ्थ फाइल नंबर 5। तो उस पर आते हैं। ये सबसे खास फाइल है, सबसे खास और सबसे महंगा। इस फाइल की कॉस्ट है 999 यानी कि 1000 रुपीस। मैं 999 नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप 1 रुपये में टॉफ़ी के अलावा और कुछ नहीं खरीद सकते। और 1 रुपये के अगर आपको और भी कोई बेनिफिट पता हो टॉफ़ी के अलावा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी आ जाते हैं इस फाइल पे। 1000 रुपये का फाइल है, 1000 रुपये का फाइल है। आप देख सकते हैं लेदर से पूरा बना हुआ, पूरा लेदर है, प्योर लेदर है। और ये इधर ब्लैक कलर है, इधर रेड कलर है। ये इधर लॉक जो है मैग्नेटिक सिस्टम का है, मैग्नेटिक सिस्टम से लॉक वगैरह होता है इसका। ऑटो फोकस कर देते हैं। ये देखिए मैग्नेटिक लॉक है पूरा ये ऐसे। और बाकी यहाँ पे कंपनी का ऐसी लोकल कंपनी नाम लिखा है वो तो मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पीछे देख लेते हैं पूरा ब्लैक कलर का है, ये देखा पूरा ब्लैक है। तो ये देखें और ये जो यहाँ पे स्टिचिंग कर रखी है इससे एक अच्छा सा क्लासिकल लुक आ जाता है, बिल्कुल ही क्लासिकल सा लगता है ये स्टिचिंग। वैसे पता है मेरे पास एक ऐसा चश्मा आया था, असल में मैं स्पेक्टिकल्स लगाता हूँ, तो ऐसा मेरे पास एक आया था जिसमें इसी टाइप के क्लासिकल डिज़ाइन था। वो थाईलैंड से आया था मेरे लिए, थाईलैंड से। तो उसमें भी इसी तरह की स्टिचिंग थी और मैं जब उसको पहन के जाता था तो सारे लोग पूछने लगते थे ये स्टिचिंग किस लिए है, क्यों है, चश्मा टूट गया था क्या तुमने, कंजूसी में ऐसा लगा लिया। पर मैं कहता था ये डिज़ाइन है, उसके बाद उनको समझ में आता था तो थोड़ी सी ऐसे दिक्कत हो जाती थी। वैसे होनी नहीं चाहिए ऐसे, बहुत अच्छा लुक आ रहा है क्लासिकल सा। ये खोल के दिखाते हैं, ये इसको खोलते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल स्पेशल आइटम। ये देखिए पहले इस साइड को देख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा इसका एरिया है तो एक एक करके चलते हैं। पहले छोटे वाले एरिया को देख लेते हैं, इससे पहले इसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक पेन लगा हुआ है, ये पेन इसी के साथ मिलता है, मैंने अलग से नहीं लगाया, ये पेन इसी के साथ मिला है। तो ये देखिए वैसे पेन को देख के लग रहा है इसकी भी कॉस्ट कम से कम 50 रुपये तो होगी, तो 999 आई ख्याल से सही है, लेदर का पूरा बना हुआ है। चलिए इस पेन को भी निकाल के देख ही लेते हैं क्या क्वालिटी है इस पेन की। ये देखिए थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है, ये देखिए ये पूरा ब्लैक कलर का पेन, ये पूरा ब्लैक और यहाँ नीचे सिल्वर कलर है। देखिए पूरा यहाँ नीचे सिल्वर है, यहाँ पे भी ऊपर हल्का सा सिल्वर इस कलर है और ट्विस्ट मैकेनिज्म है। ये देखिए, ये देखिए ट्विस्ट मैकेनिज्म है, तो जैसे ही घुमाया ये निप या नीचे आ गई और फिर ये वापस चली गई, आ गई गई आ गई गई। और ये देखिए यहाँ पे इस तरह का है पूरा स्लीक डिज़ाइन। ये देखिए पूरा यहाँ पे कर्व्ड है, पूरा कर्व्ड अच्छा दिखने में लग रहा है इसका जो क्लिप है। चलिए अब पेन को साइड में रख देता हूँ और आपको बाद में इसे मैं लिख के भी दिखा दूंगा। तो पेन साइड में रखते हैं, इसको थोड़ा और पास लाते हैं। अब देखते हैं ये है हम लोग का लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में और ये देखिए यहाँ पे क्लिप है। ये देखिए लेफ्ट साइड पे पहले आ जाते हैं, ये देखें ये इस तरह से उठ जाता है। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक है पूरा, ये भी लेदर का है, ये पूरा लेदर का है। ये आप इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसे सामान रख सकते हैं फंसा के, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ से स्टिच करा हुआ है, ये नीचे से पूरा स्टिच करा हुआ है। तो आप इसको इस तरह से फंसा के इसके अंदर ऐसे सामान रख सकते हैं, आपको समझ तो आ ही रहा होगा, बाकी मैं इससे ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा। ये इस तरह से और इधर से भी ये पूरा स्टिच है, तो इसके अंदर आप आराम से अपना कोई भी सामान वामान रख सकते हैं।
और बाकी यहाँ पे छोटा सा पॉकेट है। विजिटिंग कार्ड हुआ या कोई भगवान की फोटो हुई तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पर भी एक छोटा सा पॉकेट है, ये पॉकेट के आप साइज देख सकते हैं तो आप देख लीजिए डेप्थ। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला ट्रांसपेरेंट, ये बिना ट्रांसपेरेंट, ये पूरा लेदर, ये थोड़ा प्लास्टिक, ये थोड़ा लेदर, ठीक है। और बाकी इसमें और कोई खास चीज़ इधर में? कुछ इधर में कुछ नहीं है, नहीं तो बहुत तो मैं ऐसे भी होता है कि इस तरह इंसर्ट वाला। इसको देख लेते हैं, ये देखिए, ये असली मेन वाला जो पॉकेट है इसी में आप लोग अपना मेन सामान रखेंगे। ये देखिए इस टाइप का है, ये देखिए, ये पूरा पाउच है, ये देखिए, ये अंदर पूरा इतना पूरा, ये देखिए मेरा पूरा इतना हाथ घुस गया, आप देख सकते हैं। ये देखिए दिख तो रहा होगा आपको इसकी डेप्थ, इधर से भी दिखा देते हैं, ये देखिए इतना मोटा है, ठीक है। और बाकी ये पूरा ब्लैक कलर का, इधर ब्लैक इधर ग्रे, और इसमें ऊपर और कुछ नहीं है। तो और बाकी आप ऐसे तो ये बंद हो ही जाते हैं, तो इसमें आप ऊपर में भी इस तरह कुछ फाइल वाइल तो रख ही सकते हैं। तो एक मुझे कमेंट तो आप ज़रूर लिख के बताइएगा कि ये 999 में क्या ओर्थ करता है, इंक्लूडिंग दिस पेन, इंक्लूडिंग दिस पेन, क्या ये 999 का ओर्थ करता है? ऐसे तो ये पेन भी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, ये पूरा लेदर का बना हुआ है, पर इसमें पॉकेट्स कम है मेरे ख्याल से। तो ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये ओर्थ करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसका बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जितने भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपको ज़रूरी लगे तो। थैंक यू।